किसी भी देश की सभ्यता और संस्कृति को अगर समझना हो ठीक से तो उनकी प्राइवेट लाइफ को देखना चाहिए, उनका निजी जीवन देखना चाहिए। निजी जीवन से मतलब उनका परिवार कैसा है, परिवार में बच्चों की क्या स्थिति है, पत्नी पति के बीच रिश्ते कैसे हैं, भाई बहन के बीच रिश्ते कैसे हैं, परिवारों के जो रिश्तेदार हैं उनके आपस के संबंध क्या हैं, परिवारों में संपत्ति है तो उसका बंटवारा कैसा होता है, अधिकार क्या हैं, कर्तव्य क्या हैं। क्यों देखना चाहिए? क्योंकि यूरोप के सभी फिलोसोफर्स और हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति और समाज की जो निजी जिंदगी होती है उसी में से सार्वजनिक जिंदगी शुरू होती है। जो व्यक्ति अपनी प्राइवेट लाइफ में होता है ना, वही पब्लिक में होता है।